इंट्रोडक्शन में बड़ा अजीब सा लगता है कि खुद ही बंदा इंट्रोडक्शन देता है। चलिए बताइए आपको इसमें मेरा किरदार एक फिल्म के अंदर सुपरस्टार का है और जैसे कि फिल्म का टाइटल है हम सब उल्लू, तो सभी को पता चल गया होगा कि इसका जोनर एक कॉमेडी है। तो बहुत मज़ा आया, बड़ा एनर्जी भरा माहौल था हमारे सेट के ऊपर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद मानवानी जी का, बड़े बेहतरीन ढंग से उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं। एक एक डायलॉग में बहुत से अच्छे मैसेज जाते हैं और तारिक हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छी जॉब की है उन्होंने, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्टर्स को संभाल के रखना, एक फ्रेम में कैद करना बड़ी हिम्मत वाली बात है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बड़े फैमिली माहौल में सब कुछ कवर कर लिया। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट हम सब उल्लू हैं। आपके साथ और भी स्टार हैं जी, जी साथ बहुत बढ़िया। इसमें अपना उपासना जी भी है, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। गुड्डी मारुति जी हैं, उनके साथ भी काम कर चुका हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और बाकी जैसे आपने जिक्र किया वीआईपी जी, राजीव निगम, ये सब तो माहौल बहुत ही एनर्जेटिक था वहाँ पे, क्योंकि बड़े सीरियस सिचुएशन को भी बड़े वो अपने मजाकिया अंदाज से उसको बहुत अच्छा बना देते थे। कभी जब डे नाइट हमारी शूट होती थी तो कभी भी वो थकन महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने एक्ट से, अपनी चीज़ों से माहौल को इतना खुशनुमा बना देते थे कि बड़े मज़े से हंसते हंसते पूरा दिन रात निकल जाती थी। बड़े आनंद से हमने ये पूरा फिल्म का शूट कम्प्लीट किया। व्यूअर को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये हमारी फिल्म आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन करेगी, ज़रूर इसको जाकर देखें। कहीं पे भी आप बोर महसूस नहीं करेंगे, अपने 2-2.5 घंटे जो भी आप सिनेमा के अंदर अपनी ज़िंदगी के गम भूल कर इंजॉय करेंगे, और जब बाहर आएंगे तब आप नहीं बोलेंगे हम सब उल्लू हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि पूरे माहौल में कौन कौन उल्लू हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।